आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के अध्ययन के लिए हमने उत्पत्ति का अध्याय 3 लिया है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में आज देखने वाले हैं। उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं मनुष्य के पतन के बारे में, और यहाँ हम देखते हैं कि शैतान धूर्त था। तो चलिए धूर्त का अर्थ क्या होता है यह जानते हैं। धूर्त मतलब अनुचित तरीके से कुछ प्राप्त करना, जिसे हम चालाक या चालबाज भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्राफ्टी कहते हैं। क्या आपने ऐसे लोग अपने ऑफिस में या अपने रिश्ते में, अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके पड़ोसी, उनमें देखे हैं? यदि हमें जीवन में किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें इस रास्ते का चुनाव नहीं करना है जो रास्ते का चुनाव शैतान ने किया है कुछ पाने के लिए। कई लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं कुछ पाने के लिए, परंतु प्रियो, अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो बाइबल कहती है आपको प्रार्थना करके ईश्वर से मांगना चाहिए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ना कि मीठी मीठी बातें करके लोगों से आपको जो चाहिए वो लेना, क्योंकि हर चालाकी का परिणाम एक बड़ी गिरावट होगी। मैं फिर से दोहराती हूँ, क्योंकि हर चालाकी का परिणाम एक बड़ी गिरावट होगी। झूठ के पिता शैतान के पदचिन्हों पर कभी मत चलना। उसने उस स्त्री से कहा कि क्या सच में परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अगर आप गौर से ये सवाल देखोगे तो आप पाओगे कि यह सवाल ही गलत है। यह सवाल ही गलत है। अगर ईश्वर ने कहा कि बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना है, तो आदम और हवा क्या खाएंगे? क्या वो पत्ते खाएंगे जानवरों की तरह? परमेश्वर ने उनके लिए वृक्ष बनाए ताकि वे फल खा सके और अपनी भूख मिटा सके। तो ये सवाल ही गलत था। पर यहाँ पर हवा ने इस पर गहराई से विचार नहीं किया, उत्तर देने के तैयारी में थी। प्रियो, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई हमसे कोई सवाल पूछता है तो हमें पहले उस सवाल के बारे में सोचना चाहिए कि यह सही सवाल है या गलत। यदि प्रश्न सही है तो हम उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यदि प्रश्न गलत है तो हमें उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उस व्यक्ति से संचार रोक देना चाहिए, जो हवा ने नहीं किया। हम भजन संहिता अध्याय 1 में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
अगर आप ज़िंदगी में अकेले क्यों ना हो, अगर यहोवा आपके साथ में है, उसका वचन आपके साथ में है, तो आप उसकी व्यवस्था में दिन रात बने रहिए, ताकि वह आपको मार्गदर्शन करेगा कि किसको क्या जवाब दे और किस से संगति रखे और सच और झूठ में क्या अंतर है ये सीखे। पद 3 में उसने कहा कि हम वृक्षों के फल खा सकते हैं, हम वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु जो वाटिका के बीच में है उसे नहीं छुएंगे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। तो यहाँ पर हवा की दूसरी गलती यह हो गई कि उसने पूरा सच उगल दिया। कभी भी दूसरों को पूरी जानकारी न दे। आपको पता नहीं कि वे लोग अपने विनाशकारी योजना में आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें जवाब देने में और खुद को दूसरे के सामने प्रकट करने में बुद्धिमान होना चाहिए। हमें विजडम मांगना चाहिए ऐसे लोगों से कैसे डील करें। हमें परमेश्वर के ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और आगे हम देखते हैं, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तो देखते हैं प्रियो कि सर्प यहाँ पर, अब सर्प तो झूठ का पिता है, तो क्या वह 100% झूठ यहाँ बोलता है या नहीं, हम देखते हैं। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, ये उसका झूठ था, तुम निश्चय न मरोगे, वरन अपने परमेश्वर की तरह तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहाँ पर उसने आधा सच भी कहा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाओगे। तो शैतान पूरी तरह से यह झूठ नहीं बोल रहा है, उसने आधा झूठ बोला है कि तुम निश्चय न मरोगे, और आधा सच बोला है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाओगे। अगर शैतान यहाँ पूरा झूठ बोलता तो हवा को उस पर डाउट आ सकता था। तो शैतान बहुत चालाक है, वो झूठ भी पूरी तरह से नहीं बोलता है। इसलिए जब हम सच बोलते हैं तो हमें सच पूरी तरह से नहीं बोलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आधा सच और आधा झूठ बोले। हमें सच पूरी तरह से बोलना नहीं है, और ऐसे लोगों से हमें संचार नहीं करना है जहां वो आपको बोलने के लिए विवश करे। अगर आप उनकी संगति में खड़े रहते हो तो वो आपसे बात करेंगे और आपसे सच उगलवाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इसलिए वचन कहता है कि ऐसे लोगों की संगति में ही खड़ा नहीं रहना चाहिए। और हवा की तीसरी गलती यह हुई कि वो वहाँ पे खड़ी रही, वो आदम के पास नहीं गई उस समय। और फिर हवा ने देखा कि पेड़ खाने के लिए अच्छा है और किसी को भी बुद्धिमान और आँखों को प्रसन्न करने के लिए वांछित है। वह बुद्धिमान बनने के लिए ललचा रही थी, वह उस अच्छे दिखने वाले फल को खाने के लिए ललचा रही थी। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि हवा दो चीज़ों के लिए ललचा रही थी, वो सुंदर फल खाने के लिए और बुद्धिमान बनने के लिए। यदि आपके पास जो है उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं,
तो आप प्रलोभन में पड़ जाते हैं। इसलिए आपके पास जो भी है उसमें आप संतुष्ट रहिए, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका घर हो, जो भी आपके पास हो उसमें आप संतुष्ट रहिए और तरक्की करते रहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपके पास है उसमें आप असंतुष्ट रहे। परमेश्वर कहते हैं कि तरक्की करते रहे, पर जो अभी आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहे, नहीं तो हवा की तरह शैतान भी किसी न किसी चीज़ में आपको लालच दे सकता है। और आगे जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया। वो सवाल यह है कि जब हवा ने आदम के साथ फल बांटा तो क्या आदम ने उसे पूछा कि ये फल कौन से वृक्ष का है, या उसने वो फल लेकर अपने मुंह में डाल दिया अनजाने में, उसे पता ही नहीं कि वो कौन से वृक्ष का फल खा रहा है। इसके बारे में बाइबल हमें ज़्यादा जानकारी नहीं देती है कि उस समय क्या हुआ होगा। शायद उसने अनजाने में वो फल खाया होगा, क्योंकि उस बगीचे में कई वृक्ष हो गए, या शायद वो फल खाते समय हवा ने उसे सर्प की कहानी बताई होगी, या फल खाने के बाद बताई होगी, या शायद बताई ही नहीं होगी। शायद आदम को सर्प के बारे में पता ही नहीं होगा कि उसका संचार स्त्री के साथ क्या हुआ, क्योंकि बाइबल इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं देती है। और जब उन्होंने वो फल खाया उसके बाद उनकी आंखें खुल गई और वे जान गए कि वे नग्न हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। जब भी हम अंजीर के वृक्ष की कहानी सुनते हैं तो हमें मार्क 11 की याद आती है। मार्क 11 में हम पढ़ते हैं, मरकुस की किताब अध्याय 11 में पढ़ते हैं, जब वह उसके पास पहुंचा तो पत्तों को छोड़ और कुछ न पाया क्योंकि अंजीरों का मौसम न था। फिर उसने पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, और उसके चेलों ने उसे यह कहते हुए सुना। अब गौर से ध्यान दे प्रियो, जब फल का मौसम ही नहीं है तो वो पेड़ फल कैसे उगाएगा। जैसे आम का वृक्ष आप देखिए, आम तो 12 महीने उस वृक्ष पर नहीं रहेंगे, समर्स के टाइम में आपको आम दिखेंगे। तो यहाँ पर उस वृक्ष का क्या दोष था कि उस पर उस मौसम में फल नहीं थे, क्योंकि वो मौसम ही नहीं था अंजीरों का। फिर यीशु ने उस वृक्ष को शाप क्यों दिया। तो इसके बारे में जब मैं गहराई से सोच रही थी तब मुझे प्रकटीकरण हुआ कि जब यीशु आपके पास हो या आप यीशु के प्रेजेंस में हो, जब यीशु उस वृक्ष के पास थे या उस गांव में थे जहां वो वृक्ष था, या उस एरिया में थे जहां वो वृक्ष था, वहां पर यीशु का प्रेजेंस था। तो जब यीशु का प्रेजेंस वहां पे था, मतलब यीशु की उपस्थिति वहां पे थी, तब उस वृक्ष पर फल होने चाहिए थे, क्योंकि जब यीशु का प्रेजेंस हमारे साथ रहता है तो हमें हर समय
फल देने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि यीशु एक लिविंग वाटर है और लिविंग वाटर के पास जो फूल और पौधे होते हैं वो कभी मुरझाते नहीं हैं। अगर आपके जीवन में यीशु है, आप परमेश्वर के सानिध्य में रहते हो, और अगर आप बिजनेस मैन हो या बिजनेस वुमन हो, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका बिजनेस बस सीजनल है। शायद आपका गन्ने के जूस का अगर कोई दुकान है तो आप सोचोगे कि बस समर्स में ही मेरा सेल होगा, या कोई जूस सेंटर है तो आपको लगेगा बस समर्स में ही लोग आएंगे और बाकी मौसम में ये बिक नहीं पाएगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो। पर जब परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे साथ होता है तो 12 महीने हम फलदायी हो सकते हैं, क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उनको कहा कि फलदायी हो। अगर हम उसके प्रेजेंस में हैं तो हम 12 महीने फलदायी हो सकते हैं। और आदम और हवा फलदायी नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की है। फिर आगे हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नग्न अवस्था में हूँ, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नग्न है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? फिर आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो यहाँ पर आप देखिए प्रियो, कि इनडायरेक्टली आदम परमेश्वर को दोष दे रहा है, परमेश्वर को ब्लेम कर रहा है। वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक सहेली है जिसे मैंने पूछा कि आप अरेंज मैरिज करोगी या लव मैरिज करोगी, तो उन्होंने कहा कि मैं अरेंज मैरिज करूँगी, वही बेहतर है। मैंने कहा, क्यों? तो उसका कहना था कि अगर कल जाके पति उसे अच्छा संभालता नहीं है तो वो अपने माँ बाप को ब्लेम करेगी कि उन्होंने ही वो लड़का उसके लिए ढूंढा था, उन्होंने ही उसका बंधन उससे जोड़ा था। तो कल अगर जाके कुछ होता है तो माँ बाप उसके ज़िम्मेदार हो गए। तो यही ब्लेम गेम जो होता है वो आदम ने किया है। आदम ने परमेश्वर पर ब्लेम डाल दिया कि उसी ने जो स्त्री उसको दी है रहने के लिए साथ में, उसने उसको विवश किया वो फल खाने के लिए, और उसने वो फल दिया इसलिए मैंने खाया, मैंने उस स्त्री पर विश्वास किया क्योंकि वो स्त्री तूने मुझे दी थी। कई बार प्रियो हम परमेश्वर को दोष देते हैं, जाने और अनजाने में भी, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आपको दोष अपने माता पिता या परमेश्वर को नहीं देना चाहिए। आपकी परिस्थिति के लिए इसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। अगर दो लोगों में झगड़ा होता है तो वो दो लोग ज़िम्मेदार है उसके लिए, ना कि बाहर वाला या तीसरा। कई बार लोग पास्टर्स को बुरा कहते हैं क्योंकि वो मैरिज फिक्स करते हैं दो लोगों का, वो रिश्ते लाते हैं। वो तो अपने दिल में ऐसा नहीं सोचते हैं कि इन दोनों का टूट जाए, वो तो एक अच्छी भावना से रिश्ते लाते हैं और
अगर आगे जाके चीज़ें नहीं बनती है तो पास्टर को दोष दिया जाता है, उसी तरह से परमेश्वर पर दोष दिया गया। तो यह सबसे बड़ी आदम की गलती है, उसने परमेश्वर को दोष दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अब जो स्त्री है वो परमेश्वर के क्रिएशन को ब्लेम कर रही है। परमेश्वर ने जो सर्प बनाया है उसने उसे वो फल दिया और वो खाया। स्त्री सर्प को ब्लेम कर रही है, आदम स्त्री को ब्लेम कर रहा है। तो ये ब्लेम गेम चालू हो गया है। और अपने परिवार में भी आपने देखा होगा कि ऐसा ब्लेम गेम चलता रहता है। फिर यहोवा ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रियो, शैतान ने किसी पर दोष नहीं लगाया। शैतान यहाँ पर खामोश है, क्योंकि जो रियल कल्प्रिट होता है, जो मास्टरमाइंड होता है बुरी चीज़ों में, वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। उसकी बोलती बंद हो चुकी है यहाँ पर, और उसको जो शाप मिला है वो इतना बुरा शाप मिला है कि तू सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चलेगा। उसको पैर नहीं है, उसको हाथ नहीं है, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं आदम ने हवा को दोष दिया, हवा ने शैतान को दोषी ठहराया। फिर बाद में हम देखते हैं कि यहोवा ने सभी को उनके पाप के स्तर के अनुसार दंडित किया है। यहाँ पे उसने मेल या फीमेल नहीं देखा, उनके पाप के स्तर के अनुसार उन्हें दंडित किया गया है। तो परमेश्वर गॉड ऑफ जजमेंट है, उनके पास ऐसा नहीं है कि ये मेरा अपना है इसलिए मैं इसे दंडित नहीं करूँगा, या वो मेरा अपना है इसलिए मैं उसे दंडित नहीं करूँगा। आपके पाप के स्तर के अनुसार वो दंडित करता है। और उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊँगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि स्त्री का जो शाप है वो बस एक समय के लिए है जब वो बच्चे को जन्म देती है, पर ऐसा नहीं है प्रियो। यहाँ पर लिखा गया है कि बालक उत्पन्न करने के बाद उसकी लालसा उसके पति पर रहेगी, उसे हमेशा अपने पति की चिंता रहेगी कि वो उसके साथ रहेगा या नहीं, या किसी और के पीछे तो नहीं जाएगा, और उसका ध्यान हमेशा अपने पति की तरफ रहता है, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, उसका पति उस पर प्रभुता करेगा। कई स्त्रियों को यह अच्छा नहीं लगता है कि उनका पुरुष उन पर प्रभुता करता है, तो उसे जीवन भर उसके प्रभुता के अंदर रहना पड़ेगा एक स्त्री को अपने पति के। तो ये जीवन भर का एक दंड उसे मिला है। भले स्त्री और पुरुष सामाजिक तौर पर समान है, पर परमेश्वर ने दिया गया हुआ दंड आज तक कार्यरत है। फिर आदम से उसने कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा
और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तो यहाँ पर आदम को बहुत संघर्ष है, उसे अपना पेट भरने के लिए रोटी आसानी से नहीं मिलेगी। आज के डेट में अगर आप देखते हो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोग डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, पर उनकी जो बीवियाँ होती है वो उनके लिए खाना नहीं बनाती है, वो एक मेड लगा देती है और मेड खाना अच्छे से नहीं बनाती है क्योंकि वो उसकी ड्यूटी होती है, तो उसे आकर एक घंटे में फटाफट खाना बना के चला जाना पड़ता है, तो वो खाना अच्छे से नहीं बनाती है और वही खाना उस व्यक्ति को खाना पड़ता है, जिससे ओबेसिटी बढ़ती है, आदमी का वेट बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि सैटरडे और संडे जब आता है तब वो लोग बाहर का खाना खाते हैं और बाहर का खाना इतना खा लेते हैं कि उनके शरीर पर उसका परिणाम होता है बुरा। तो बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि पैसा है पर खाना बना के देने वाला कोई नहीं है, और आदमी चाहे कितने भी पैसे कमाए उसे काम बहुत करना पड़ता है। चाहे आप डॉक्टर हो, आपको बहुत काम करना पड़ता है, इंजीनियर हो, बहुत काम करना पड़ता है, और बहुत काम करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। चाहे आपके पैसे बहुत क्यों ना हो पर आपको काम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का यह दंड आदमी के ऊपर है। मैं जब इंफोसिस में काम करती थी तो इंफोसिस के जो सीईओ है उनके पास तो बहुत पैसे हैं, पर जब मैं उनके बीवी का भाषण सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि इनके पास टाइम नहीं है मेरे साथ स्पेंड करने के लिए, हम हार्डली एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम का बोझ बहुत है। तो आप ऐसा मत समझिए कि जिनके पास पैसे बहुत हैं उनके पास काम का बोझ नहीं है, उनके पास काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। और आगे हम देखते हैं, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। थका हुआ आदमी घर पर आता है 9 घंटे काम करके, और घर पर आकर भी उसे ऑफिस से फ़ोन कॉल्स आते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो पसीने की रोटी खाता है आदमी, चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो या कितना अमीर क्यों ना हो। और आगे हम देखते हैं कि अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ लोगों के बारे में मैं सोच रही थी, उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, पर परमेश्वर कहते हैं कि पैसे आपने चाहे बहुत कमाए होंगे, आपके बाल बच्चों को हो जाएगा, पर आप तो मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो कितना बड़ा ये दंड है। तीनों को दंड मिला है, आदम, हवा और सर्प को, उनके उनके पाप के अनुसार। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। तो ऐसा लग रहा है प्रियो कि महल से निकालकर जंगल में उन्हें डाल दिया परमेश्वर ने। इतनी सुंदर अदन वाटिका थी, वो वहाँ से निकालकर सूखी भूमि पर उन्हें लाया जाता है।
इसलिए प्रियो आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब इसलिए हुआ है कि आज्ञा का भंग किया गया है। तो परमेश्वर की जो भी आज्ञा आपके जीवन में है उसे पूरा करिए, उसे भंग ना करिए, क्योंकि जितना ऊपर आपको परमेश्वर ले जाएगा उतना नीचे वो आपको फेंक देगा, अगर आज्ञा का आप भंग करते हो तो। और फिर आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबा को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब सवाल यह आता है कि चमड़े के अंगरखे कहाँ से आए, क्योंकि जब उन्होंने पाप किया था तब वहाँ पर, उसके पहले वहाँ पर मृत्यु नहीं थी, किसी भी जानवर के ऊपर मृत्यु नहीं थी, तो चमड़े के अंगरखे कैसे परमेश्वर ने बनाए होंगे इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के अंगरखे बनाकर दिए, अच्छे अंगरखे बनाकर दिए, प्रोविजन दिया परमेश्वर ने, क्योंकि जो पत्तों के लंगोट उन्होंने बनाए थे, पत्ते सूख जाते और फिर वो लंगोट किसी काम के नहीं रहते, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अच्छे कपड़े बनाकर दिए हैं। भले ही हमने कितने भी पाप किए हो, परमेश्वर हमें अच्छी चीज़ें देता है, ये ध्यान में रखो प्रियो। तो इस अध्याय से हम यही सीखते हैं कि आज्ञाकारी बने। अगर आपने परमेश्वर से कुछ वादा किया है तो उसे निभाइए, नहीं तो वादा मत करिए, या परमेश्वर ने आपको कोई आज्ञा दी है तो उस आज्ञा का आप पालन करिए। परमेश्वर आपको बताएंगे आपको क्या करना है, उस आज्ञा का पालन करिए, और अगर आप आज्ञा का पालन करते हो तो आप फलदायी होंगे, आपकी वृद्धि होगी, आप बहुत आगे बढ़ोगे, और अगर आप पालन नहीं करोगे तो आप अंजीर के वृक्ष की तरह फलहीन हो जाओगे। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।